जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। राजीव कुमार, आज हम लोग जीएस भौतिक के अंतर्गत जो कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ रहे थे, उसमें अंतिम प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। तो आपका राजीव स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। वीडियो को आप पूरा देखें, जब तक नहीं देखेंगे पूरा तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो पूरा देखा करें। आइए हम देखते हैं अंतिम कंडीशन, छठवां कंडीशन, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए, तो एफ और लेंस के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पीछे हम पांच कंडीशन पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो में देखें और तब समझ में आपको आएगी ये वाली। तो आप क्रम से वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं दोस्तों, ये वस्तु ए बी है जो एफ और लेंस के बीच में रखा गया है, कहीं पर भी हो सकता है ए बी। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदु बी से किरण को दो ले जाएंगे जो समांतर अक्ष से गई है। किरण जब समांतर गई, लेंस से उसका अपवर्तन हो जाएगा, और जब अपवर्तन हो जाएगा तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती निकल जाएगी, जो कि जा रही है। एक किरण और निकली जो प्रकाशीय केंद्र से निकलेगी और सीधे ही निकल जाएगी परावर्तन अपवर्तन के बाद। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसे आगे बढ़ रही है वैसे और फैलती जा रही है। तो जब फैलती जा रही है तो अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, अगर समांतर होती तो अनंत पर मिल जाती, लेकिन नहीं, ये तो फैलती जा रही है मतलब कहीं नहीं मिलेंगी, अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, तो फिर कहां मिलेंगी, तो आगे तो नहीं मिल सकती। तो हमने क्या किया, इन किरणों को हमने पीछे ले गया तो मिल गई आपस में, कहां मिल गई, बी डैश पर मिल गई। तो बी डैश क्या हुआ, बिंदु बी का बी डैश प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि अपवर्तित किरणों को हमने पीछे ले जाकर मिलाया तो इसलिए आभासी कहलाएगा और यह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं आ सकता। प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा हमको आभास होगा दोस्तों, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, तू अब से दूर बनेगा, आभासी होगा। तो मुख्य बिंदु देखते हैं, बिंदु क्या है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के तरफ कुयप से दूर बनता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से क्या हुआ, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितना बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब केवल दो ही बनते हैं दोस्त, आइए देखते हैं उसको भी। देखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से केवल दो ही प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कंडीशन के हिसाब से। एक जब वस्तु कहां हो, बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो और एक कंडीशन बनता है उस अनंत से इधर कहीं पर भी रखा जाए, लेंस से दूर सामने, अनंत से इधर और लेंस के बीच में, इसके रेंज में कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश किरण समांतर आएगी, ये आपको पता है, किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण समांतर आएंगी, वहां जितने चले किरणें, उस बिंदु से जितने किरणें चलेंगी सब आते समांतर हो जाएंगी, और समांतर हो जाएंगी तो एक ही पथ पर समांतर सब किरणें होंगी और सभी आपस में अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर काटेंगी, उस बिंदु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनेगा जहां सब काटेंगी। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, हमें लगेगा कि यह आयाप से होकर के फैल रहा है, ठीक। उस वस्तु के बिंदु बी से किरणें चलेंगी, वो भी आएंगी, समांतर हो जाएंगे सभी किरणें, किरण नंबर वन, किरण नंबर दो, जितने किरणें चलेंगी सब समांतर हो जाएंगी और सब अपवर्तन के बाद इधर निकल जाएंगी, लगेगा कि इससे होकर जा रही है, ये मुख्य फोकस निकल जा रही है। तो आगे बढ़ने पर, अपवर्तन के बाद आगे बढ़ने पर तो नहीं काटेंगी,
पीछे बढ़ने पर यह पकड़ रही है और उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु के दो किरणें आपस में यह पर ही काट रहे हैं। जैसे किरण नंबर वन है तो इस किसी एक बिंदु किरणें कई किरणें सी पा रही होंगी, तो अपवर्तन के बाद दोनों किरणें जो इस पर आ रही है एक ही बिंदु से वह एफ पर ही काटेंगी और जो बाकी किरणें हैं वो भी एक ही पथ पर आएंगी और बिंदु यह पर ही काटेंगी। तो जितने भी वस्तु के बिंदु हैं उस प्रत्येक बिंदु के प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर ही बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बिंदु के समान बनेगा। सीधा की उल्टा नहीं कह सकते लेकिन एनसीईआरटी में दिया है सीधा बनेगा आभासी बनेगा। तो इसी को हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा होता कंडीशन, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो प्रतिबिंब होता है आपका प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। पहली बात ये पर्दे पर नहीं आएगा। और क्या होता है? बहुत छोटा बिंदु के समान होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि आभासी और बिंदु समान तो बन गया, वस्तु तरफ बनता है, वस्तु के तरफ ही बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है, सीधा भी बनता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्रथम कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है दोस्तों? जो वस्तु कहाँ है, कहीं पर रखिए आप, यहां 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 चाहे इसे पीछे कहीं रखिए, अनंत पर ना हो तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिए कैसा बनेगा। ये कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, कहीं पर रखेंगे तो एक ही कंडीशन बनेगा। देखना प्रतिबिंब बनने का, ये है ए और ये है बी, बिंदु बी से किरण समांतर गई, इसका अपवर्तन हुआ, यहां से फैल गई, ये हमें आभास होगा कि एफ से जा रही है, ये हमें आभास होगा कि एफ से होकर के जा रही है दोस्तों। यहां से किरण एक और गई, प्रकाशित केंद्र से सीधे निकल जाएगी, जब सीधे निकल जाएगी अपवर्तन इसका नहीं होगा। तो आप बताएं इधर जा रही है, इधर जा रही है अपवर्तन के बाद, कहीं काट सकती है क्या? नहीं, पीछे बढ़ाने में काटेंगी। कहां पर काटेंगी? पीछे बढ़ाएंगी इसको, तो पीछे बढ़ाने पर देखिए ये वाला किरण इधर आ रहा है और इसे बढ़ाने पर इधर आ रहा है, आप देखिए यहां पर काट रही है, आपस में यहां काट रही है, तो ये बिंदु बी का क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। ऐसे इसके प्रत्येक बिंदु को यदि हम बनाएंगे प्रतिबिंब तो क्या बनेगा? ऐसा ही बनेगा। अंत में यहाँ पे जो ए का बनेगा तो ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, ये पूरा क्या हो गया? ए डैश बी डैश एक वस्तु की प्रतिबिंब बन गई। आप देख रहे हैं कि छोटा इसे बन रहा है और सीधा बन रहा है, और हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? फोकस और लेंस के बीच में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अनंत पर है फोकस और बनेगा, और अनंत के बाद कहीं पर भी रखेंगे आप तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? लेंस और फोकस के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा। तो बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या होगा? मुख्य पॉइंट होगा प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या है? सीधा वस्तु से छोटा बनेगा यह तथा लेंस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी। यही दो कंडीशन आपको जानना था। एक पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक यह पर बनेगा, वस्तु तरफ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। जब लेंस के सामने कहीं पर भी रख दें अनंत के इधर, तो वस्तु हमेशा एफ और लेंस के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे वस्तु को हम और पास लाते जाएंगे तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगी? और उधर बनती जाएगी। जितना वस्तु दूर रहेगा उतना ही एफ से तो पार नहीं होगा जो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन एफ के करीब होगा। अनंत पर है वस्तु तो यह पर ही प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा इधर थोड़ा सा लाएंगे तो प्रतिबिंब यह थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और पास लाएंगे प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाएगा। जितने हम पास लाते जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब क्या करेगा?
लेंस की तरह भागता जाएगा दोस्त, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके हमने क्या किया, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों से प्रतिबिंब का बनना पड़ चुके, खत्म हो गया। आप इसे नोट बना लीजिएगा, विद्युत पढ़िएगा। यहां से इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा के हिसाब से, वन डे एग्जाम के हिसाब से दोस्तों। तो आप नोट बनाकर पढ़िए, विद्वत पढ़िए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।